हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। जब कोई बड़ा नंबर आता है तो ये पता लगाना काफ़ी हार्ड हो जाता है कि आखिर वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो वही आज हम पता लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई नंबर ज़रूर होगा। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, हर एग्जांपल में 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा होगा, और इसके अलावा कोई भी नंबर अगर लास्ट में आता है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की। तो चाहे जितना बड़ा नंबर हो उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और जो सम आया है उसको 3 से डिवाइड करिए। अगर वो नंबर जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं डिवाइड होता है तो आपका नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की। तो यहाँ पर भी सेम रूल 3 वाला अप्लाई होता है कि अगर सारे डिजिट्स का सम आपका 9 से डिवाइड होता है तो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ आपका नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स जो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 9 से डिविजिबल ज़रूर होगा। अब बात करते हैं 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की। तो यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक लगता है कि आपका जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को उठाइए, और अगर वो 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं तो आपका नंबर भी 4 से डिविजिबल ज़रूर होगा। आपके आइडिया के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ, आप चाहें तो उन एग्जांपल से आइडिया ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की। तो ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को सर्च करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, बिकॉज जो भी नंबर जिनके लास्ट में 0 या 5 आता है वो सारे नंबर आपके 5 से डिविजिबल होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो अगर लास्ट में आपको 0 या 5 मिल रहा है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल ज़रूर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की। तो आपको 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के लिए 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। दैट मीन्स जो नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता होगा वही नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए यहाँ एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। 2390 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी यूनिट डिजिट आपको 0 दिख रही होगी, दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल ज़रूर होगा। अब अगर इसके सारे डिजिट्स को ऐड किया जाए 2 + 4 + 9 + 0 तो आपको 15 मिलता है, जो कि आपका 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 2490 आपका 3 से भी डिविजिबल होगा, और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने की वजह से 6 से भी डिवाइड ज़रूर होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं 8 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की। तो जो नंबर जिनके लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती होंगी वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होगा तभी आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना सही रहेगा, जैसे कोई छोटे नंबर को आप डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन नंबर्स के लास्ट की 3 डिजिट आप 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो चलिए रूल वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को भी देख लेते हैं। जो नंबर जिनके लास्ट में 0 आता है, फिर वो चाहे जितना बड़ा नंबर हो चाहे जितना छोटा नंबर हो, जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। इसके बाद देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी को चेक करना है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि अगर आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ है उसके ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को अलग से ऐड कर दीजिए। इन दोनों ही सबमिशन का आप डिफरेंस निकालिए, और जो डिफरेंस है अगर वो 0 या 11 से डिविजिबल होता है तो आपका नंबर भी 11 से डिविजिबल ज़रूर होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो हम भी कोई एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं 2943541। इसके आप इवन डिजिट्स को ऐड कर दीजिए जो कि हैं 2 + 4 + 5 + 1, तो आपको मिलेगा 12। और उसी तरह से जब आप इसके ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करेंगे जो कि हैं आपके 9 + 3 + 4 + 7, तो आपको मिलेगा 23। फिर आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो भी नंबर बड़ा हो वो आप पहले रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 23 - 12 जो कि 11 आएगा, और ये 11 आपका 11 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल ज़रूर होगा। तो चलिए लास्ट में देखते हैं कि कोई भी नंबर 7 या 13 से डिविजिबल कब होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर को 3-3 डिजिट के फॉर्म में डिवाइड करना होता है, फिर इवन और ऑड प्लेसेस को ऐड करके उनका डिफरेंस निकालना होता है, और जो फाइनली आपका डिफरेंस आता है अगर वो 0 है या फिर 7 या 13 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर आपका 7 या 13 से डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो जब पहला वाला एग्जांपल आप देखेंगे जो कि है 4537792, इसको सबसे पहले 3-3 डिजिट के फॉर्म में डिवाइड कर लीजिए, 792537, और 4 अकेले है तो उसको अकेले ही पेयर बना लीजिए। अब यहाँ पर इवन और ऑड प्लेसेस को ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स 792 + 4 आपको 796 आ जाएगा। 537 अकेले है तो उसको अकेले ही रहने दीजिए। फिर जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 259, जो कि आपका 7 से डिविजिबल है लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा और 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपका डिफरेंस 7 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर आपका डिफरेंस 13 से डिविजिबल हो रहा है तभी वो नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए सेकंड एग्जांपल को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, जो कि हमारा था 579488।
जब इनको तीन तीन डिजिट के फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 488 और 579। यहाँ पर आपका कोई इवन और प्लेस नहीं है तो आपको ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकालिए जो कि आएगा आपका 91। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 और 13 से तो आपका ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये नंबर आपका 7 और 13 दोनों से डिविजिबल ज़रूर होगा। फाइनली अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपके कोई डाउट हो, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।